आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कुदरत का करिश्मा जो कि हुआ है हमारे खेत में, जो कि हुआ था पूरे 2 साल पहले। तो ऐसा क्या हुआ था, तो आज हम पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं खात्मा, किसका, अपना नहीं जीव अमृत का। और यहाँ पे पूरे स्वाद लेते हुए इस अमरूद के पेड़ के और इसके पीछे की कहानी आप जानोगे आज इस ब्लॉग में। तो ये आज का होने वाला है पूरा रहस्यमय ब्लॉग। तो अभी इसकी जानकारी नहीं दूंगी मैं। और यहाँ पे मिला था हमें बहुत ही बड़ा अमरूद और यहाँ पे मिले थे बहुत ही बड़े छेद जो कि पक्षियों ने किए हुए थे। तो हंसी मजाक काफी ज्यादा हो गया, अब काम की बात कर लेते हैं। आज हमने देना है सारे का सारा जीव अमृत अपने खेतों में, तो आज यही काम लगाया हुआ और आज इसे पूरा करके ही ठानना है हमने, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद ये एक्सपायर होने वाला है। तो आज इसे हम खत्म करके ही रहेंगे। तो ये अच्छे तरीके से स्प्रे कर रही हूँ। ये है हमारा SPNF का कनक का मॉडल जो कि काफी अच्छे से चल रहा है। तो भाई आज यही हमने पूरा ब्लॉग शूट किया है। आई होप सो यू लाइक दिस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब। थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। और हमारी अभी वीडियो काफी अच्छी चल रही है, मींस की व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं। एक वीडियो हमारी जो है वो 1000 तक क्रॉस कर चुकी है। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो भाई कल हमने बनाई थी जंगल की कंडी, अभी उस पर कम व्यूज़ आया, पर मैं निराश नहीं हो सकती। बट जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद भाई। तो इसी काम के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। हमने काफ़ी दिनों से नहीं मतलब 15 दिन तक हो गए हैं हमने जीवामृत बनाया था। तो अभी उसका टाइम हो गया है, मीन्स कि वो एक्सपायर होने वाला है। तो हम चाह रहे हैं कि उसे जितना जल्दी हो सके हम उसे स्प्रे कर दें। तो जैसे कि हमने जो अपना SPNF का मॉडल लगाया उसमें हमने एक स्प्रे दे दी थी, पूरे अब 15 दिन हो गए उस स्प्रे को दिए हुए। तो आज दूसरी बार हम उसमें देने जा रहे हैं अपनी जीव अमृत की स्प्रे। तो वहाँ है हमारा ड्रम और आज हमने ये पूरा करना ही करना है कि आज हमने इसे समाप्त करना ही है। और टाइमिंग पूरी बज चुके हैं, कितने बज चुके होंगे आइडिया, तो टाइम हो चुके हैं पूरे 4 बज चुके हैं। पर फिर भी हम मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। और एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है अभी से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और शायद मुझे लग रहा है ना गाइज, हमारे जो हमने मटर लगाए ना कनक में, उन पे अब फल भी आ गया होगा। फल मतलब फल ही आ गई होगी, तो देखते हैं कि आगी है कि नहीं, फूल पड़ गया है उस पे कि नहीं। चलो सारी बातें जा के देखते हैं अब खेत में। तो जल्दी से जल्दी सारा काम कर लेती हूँ मैं, जीव अमृत को भर लेती हूँ बाल्टियों में और चलते सीधा। पूरी 2 बाल्टियाँ लगेंगी वहाँ पे, और 2 बाल्टियाँ लगेंगी वहाँ पे जहाँ पे मरी हुई सी कनक है, जहाँ पे मैंने पहली बार दिया था जीव अमृत। और घन जीव अमृत अभी देना है, वहाँ पे भी बहुत सारे काम है यार। बोलती भी थक गई मैं। तो अब काम को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए लेट्स गो गाइज। तो ये बगाने लोगों के खेत में बढ़ के मैंने वीडियो बनाई है, हमारा ड्रम वहाँ पे। चलो यहाँ पे है हमारा जीव अमृत। तो यहाँ ना आ जाती है तो अपनी सर्दियों में मक्खू बड़े होते हैं, और यहाँ देखो मक्खू ही मक्खू हैं, और इसे उठाते तो और मक्खू मक्खू हो जाते हैं। थोड़ी देर मुंह बंद रखना पड़ेगा। आ गया हो पहले, आ गया हो। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा हो गया ये। तो जब जीव अमृत बन के तैयार हो जाता है तो वो तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से पोजीशन में रहता है, फिर उसे इसीलिए तो हम उसे घोलते हैं ताकि इसके जो जितने भी जीव हैं सूक्ष्म जीव वो सारे ही घुल जाए, ये ना हो कि थोड़े चले हैं और थोड़े बीच में ही रह जाए। इसलिए इसे हमेशा 2 मिनट तक हमने अच्छे तरीके से घोलना होता है। तो घोल लेते हैं आज, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार। देखो एक बार इसका नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना, जाल भी कितना परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, ये बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं स्प्रे कर दूंगी और बाल्टियों में ही लेकर जाऊंगी। 1 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो इस डंडे को निकाल दो बाहर और अपनी बाजुओं को इस तरह से कर लो। तो ये मैंने जीवामृत, तो अभी इसे डाइल्यूट करना है, मतलब इसमें पानी ऐड करना है, तो मैं पानी भी ऐड कर लेती हूँ। अपने जीव अमृत को डाइल्यूट भी कर लिया है और इसे रख देंगे ढककर। आज इसे मैंने समाप्त करके ही रहना है।
क्योंकि एक्सपायर होने के बाद इसका ना असर थोड़ा कम हो जाता है, फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी असर कम देना है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो इसलिए टाइम टू टाइम चीज़ें दे देनी चाहिए। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अब हम सीधा अपने खेत में। मेरी हेल्प करेगा ये लेट अभी तेरे लिए, पर इसे तो खुरक लग रही है तो रह। फाइनली गाइज अब हम पहुंच चुके हैं खेत में, तो खेत का हाल देख के खुशी बहुत हो रही है क्योंकि खेत की मींस की कनक की जो कंडीशन है यहाँ तक आ चुकी है, ये देखो मतलब मेरे घुटनों के बराबर हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और मटर की जो कंडीशन है, मटर में भी वो बेले बेले सी पड़ती है ना इस तरह से, ये देखो दिखा दो ये इस टाइप से पड़ रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। दोनों चीज़ें ही बहुत ही अच्छी तरीके से प्रगति कर रही हैं और हमें इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और बहुत ही जल्द मैं मीन्स कि मुझे तो लग रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर फली भी आ जाएगी, मटर लगने भी शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी हम जीवामृत दे देंगे इसमें, क्योंकि जीवामृत की जो स्प्रे होती है वो महीने में 2 बार देनी होती है, 15-15 दिनों के बाद देनी होती है, तो इससे क्या होंगी इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी और सूक्ष्म जीवों की मात्रा जो कि बढ़ती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से और बढ़ जाएगी। तो इसलिए टाइम हो चुका है अब इसे सेकंड टाइम जीवामृत देने का, तो चलो आज वही देते हैं। और जो हमने आलू लगाए थे साइड साइड में, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है, इसमें भी हमने पूरा जीवामृत और घन जीवामृत दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए थे, तो इनकी हाइट भी अब अच्छी खासी हो चुकी है, ये भी अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें दे देते हैं जीवामृत, फिर आज हमने वो पूरी स्प्रे ख़त्म कर देनी है, तो इसे यहाँ पे करने के बाद फिर हम जाएंगे दूसरे खेत में। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं इसी से दूंगी और बाल्टी से ही मेरे सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि एज़ यू नो हमारे पास पंप अभी तक अवेलेबल नहीं है, जब आएगा तब हम पंप से ही देंगे। हम सोच रहे हैं बैटरी वाला पंप ही लेंगे, क्योंकि दूसरे वाले पंप से ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है तब जाके होता है, तो मेरी तो जान वैसी कितनी सी है, एक जान को 100 से आगे हो रहे हैं, तो इसलिए हम बैटरी वाला पंप प्रेफर करेंगे। मैंने पूरे जोश के साथ अपने काम को कर दिया शुरू, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो मैंने वीडियो भी एडिट करनी होती है, सारे काम करने होते हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ और ध्यान से कर रही हूँ, ताकि जो मटर और कनक है वो टूटे ना। तो यहाँ पे काफी अच्छे से काम हो रहा है और बाकी देखो भाई आगे। ये तो हो गई हमारी ग्रोथ बढ़ाने वाली, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती में सिर्फ ये ही नहीं है कि ग्रोथ ही बढ़ाती है ये, इसमें कीटनाशक नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कीटनाशक भी सारे आते हैं जो कि हम पूरे नेचुरल तरीके से बनाते हैं, नेचर से ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, उनको मिलाकर फिर अच्छे तरीके से हम तैयार करते हैं अपने कीटनाशक, और वो भी आसान तरीके से और वो भी 0 बजट में। तो वो किस तरह से करते हैं, एक चीज़ हमने बनाई है कल, वो थी हमारे जंगल की कंडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। उसमें जंगल का प्रयोग इसलिए हुआ था क्योंकि वो जंगल से लाया था हमने जंगली जानवरों का गोबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारी फसल के लिए, अगर हम उसे अपनी फसल में डालेंगे तो हमारी फसल भी जंगल के जो पेड़ हैं, जो भी जितनी भी चीज़ होती है जंगल में, उनको बीमारियां नहीं लगती, तो उन्हीं की तरह ये भी हो जाएगी। यहीं पर मेरा लेक्चर ख़त्म होता है और काम शुरू होता है, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है। गाइस जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बाकी एरिया की हमारी कनक काफ़ी अच्छी है, पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमारे कनक की ऊंचाई यहाँ तक ही पहुँची है, तो ये क्यों? तो मैंने जैसे आपको कहा था कि हमारे यहाँ की जो मीन्स की जितनी भी फसलें होती हैं वो सारी डिपेंड है बारिश पे, हमारे यहाँ पानी की कोई भी स्रोत नहीं है जो कि खेत में हम लगा सकें, तो इसलिए हमारी जितनी भी फसलें हैं हमारे यहाँ के एरिया की, ये सारी बारिश पे ही डिपेंड रहती है। अभी यहाँ पे बारिश हुई है तो अभी इसकी ग्रोथ होने लगी है, वहाँ पे नमी थी पेड़ों की वजह से, बट यहाँ पे कोई नमी नहीं थी इसलिए यहाँ पे कम होगी है, पर हम इसकी ग्रोथ भी इसके बराबर ही कर देंगे, किसकी मदद से? जीवामृत की मदद से। तो यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जीवामृत देंगे ताकि इसकी ग्रोथ भी उसके बराबर हो जाए और ये कहीं पीछे ना रह जाए। और यहाँ पे जो हमने आलू लगाए थे यहाँ पे इनकी ग्रोथ भी थोड़ी अभी कमी लग रही है, पर इनको भी ये लेट लगाए थे, वो पहले लगाए थे इसलिए उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। तो
तो इनकी ग्रोथ भी हम अच्छी कर देंगे। किसकी मदद से? जीव अमृत की मदद से। तो सारे काम हमने करने हैं जीव अमृत की ही मदद से। तो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। एक जो एक और बाल्टी लेके मैं आई हूँ छोटी सी, वो दे देते हैं हम अपने आलूओं में, कनक में। तो ये सारे कंप्लीट हो गया है। ये है आलू की मेड़े, जहाँ पे ये एक ही कतार में थे, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से दे रही हूँ। इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आलूओं को भी मैंने दे दिया है। तो अब ये दोनों बाल्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। थोड़े से आलूओं को रहा है, वो हम बाद में दे लेंगे। पहले चलते हैं दूसरे खेत में, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उसकी कंडीशन हमें ज़्यादा ज़रूरी है सुधारने पहले, फिर देंगे हम आके आलूओं को। अगर बचा तो दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं बचा तो नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ठीक है? तो चलो चलते हैं। अब टाइम पूरे 5 बज चुके हैं, पर फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। चाहे रात हो जाए, आज पूरी स्प्रे ख़त्म करके देनी। आज का मुद्दा यही है कि स्प्रे पूरी आज ख़त्म करनी है। टाइम टू टाइम देनी चाहिए ना चीज़ें। हम लापरवाह हो रहे हैं, तो लापरवाह हमने नहीं बनना है, तो इसलिए टाइम टू टाइम ही देनी है मैंने सारी। तो चलो भाग के चलते हैं अब गाइज। सो गाइज, ये है वो हमारे कनक का खेत जिसकी हालत ख़राब थी पहले, तो अब थोड़ी सुधर गई है। बारिश भी हुई है और बारिश के कारण भी थोड़ी हालत सुधरी है, और थोड़ी जीवामृत के कारण इसकी हालत सुधर गई है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब हम यहाँ पे स्प्रे देंगे, तो मेरी बहन ने भी मेरे साथ डिस्कस किया, तो वह कहती कि यहाँ पे तो एक बार तूने दे दी है, पर जो हमारी सरसों है वहाँ नहीं दी है। तो चलो आज वहीं पर चलते हैं और वहाँ देते हैं ये स्प्रे। तो यहाँ के कनक की अब हालत देखो, सुधार आया है इसमें भी थोड़ा बहुत ही आया है, क्योंकि बारिश के कारण ना थोड़ा बह गया होगा वो जीवामृत, क्योंकि बारिश का पानी कहीं यहाँ जाता है। अगर यहीं पर रहता तो फर्क पड़ जाना था, पर वो तो भाई यहाँ वहाँ जाके तो जीवामृत भी यहाँ वहाँ चला गया होगा, तो इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ अभी। अब देते हैं सरसों में, वो है थोड़ी सी और आगे, तो चलते हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी थक भी गई हूँ। तो चलते हैं अब सीधा वहीं पे। गाइस, ये है हमारी सरसों का खेत, ये है। तो इसकी हालत ठीक ठाक ही है अभी तक, तो ठीक ही है। तो आज हम इसकी हालत और ठीक करने के लिए आ चुके हैं अपने डियर जीवामृत के साथ। तो अब हम इसमें जीवामृत देंगे, और मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारी ये जो होती है ना सरसों, ये क्या होती है, ये भी नाइट्रोजन वाली फसल होती है। तभी इसकी जो कंडीशन है वो खुद ब खुद ही सही हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले से नाइट्रोजन है, तो इसकी ग्रोथ तो फिर उस हिसाब से अच्छी खासी हो जाती है। पर इसकी ग्रोथ को और अच्छे करने के लिए, इसके दाने को और बढ़िया बनाने के लिए, हम इसमें अभी डाल देंगे जीवामृत, जिससे इसकी ग्रोथ डैम श्योर और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उस चीज़ को देखने के लिए आपको अपनी आंखें तेज़ करनी पड़ेंगी। ज़रा ध्यान से देखना उस चीज़ को, कैमरामैन इस चीज़ को दिखाया जाए। तो वो है ये मेन यहाँ पे मेन रीज़न हमारा ये है आने का, कि हमने खाने थे अमरूद, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद लगी थी थोड़ी सी भूख, वो भी फ्रूट्स की भूख। और मैं आपको बता दूँ, ये प्रकृति का बहुत ही बड़ा करिश्मा हुआ है हमारे यहाँ पे। ये पेड़ आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरह से लेटा हुआ है, पेड़ हमेशा से ऐसा नहीं था, ये सीधा था, और एक दिन इसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे, और हमारे गांव की पूरी बच्चा पार्टी आ गई और इस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। तो ये पेड़ तो इतना सा था, जब सारे बच्चे इस पे चढ़ गए और ये टूट गया, और ये टूट के ऐसे सो गया, जैसे मान लो कि हम जैसे एक्सरसाइज करते थे, इस तरह से हो गया ये। ये वैसे है तो जमीन से अटैच ना, पर ना ये इस तरह से हो गया। तो वैसे ये इस तरह से होके भी ना सारे फल देता है, और ये 2 साल हो गए हैं इसे, और अभी तक ये बिल्कुल अच्छा है, और इस तरह से हमें फल दे रहा है। और इससे हमारा काम ना और भी आसान हो गया, क्योंकि ये हमारे ना खेत में आ गया इस तरह से, और इसके ऊपर अभी फल भी लगे हुए हैं जो बहुत मीठे मीठे होते हैं। हमारी मम्मी हमेशा लेकर आती है, पर बताती नहीं थी मम्मी कहाँ से लेकर आती है। हमने आज ढूंढ ली दो भैया केमिकल फ्री अमरूद। जी यहाँ पे मिली है एक बहुत ही भयंकर चीज। ये जो पेड़ है ना, इसने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुख दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अमरूद पसंद है, तो मम्मी डेली लेके आते हैं और बहुत मज़ा आता है इनको खाने में, और मीठे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और सो गाइज, मस्ती बहुत होगी, और शिवानी का तो दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं इतना ही बोलती रहती हूँ और इसकी वीडियो और ही नहीं हो रही थी, बाद में कहती ओह वीडियो तो बड़ी नहीं, क्या करूँ मैं, मजा मेरे को फिल्म थी तुम्हारी फिल्म।
चलो यार काम करते हैं, अब ले रहो यार। ये वाला जो खेत है ना, ये हमारे घर से काफी ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे बाल्टियां पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पे पहली बार स्प्रे कर रहे हैं। और हमने काफी ज्यादा मस्ती भी की और मूलियां भी ले ली। यहाँ पे हमारा जीव अमृत पूरा खत्म हो चुका है, दे दिया है मैंने अच्छे तरीके से। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जीव अमृत को पा के बहुत ही खुश हुई होंगी। जब मैं सरसों से बात कर रही हूँ, आप खुश हो ना? ये खुश है, हंस रही है, ये हिल भी रही है, ओ सारी हिल भी है, सारी खुश हो गई है। तो ये भी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, और पेट भर गया उससे भी काफ़ी खुश हूँ। तो हमने लिया है कर्जा, किससे? आपसे नहीं, अभी अभी अमरूद का है तो उसका कर्जा तो देना पड़ेगा ना। उसकी हालत तो वैसे बेचारा विकलांग हो गया है, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। उसकी हेल्प पैसों से नहीं होगी, उसकी हेल्प होगी उसे एक अच्छी चीज़ पर ध्यान करके। तो मैंने उसके लिए पहले से बचा के रखा था जीव अमृत, जो कि अब हम इसे दे देंगे ताकि ये भी बाकियों की तरह स्ट्रांग हो जाए। तो ये देखो दोस्तों, इसका मैं कर्जा अभी उतार के जाऊंगी और इसे कहूंगी कि अगली बार इससे भी अच्छे, इससे भी मीठे, इससे भी बड़े अमरूद हमें देके जाए। और यहाँ पे इसकी जड़ को अब हम यहाँ पे इसे दे देते हैं अच्छे तरीके से। आप हमें इस अगली बार इससे भी अच्छे फ्रूट्स देना और ज़्यादा मात्रा में देना, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन तक भी हम ये अमरूद पहुँचा पाए। इतनी शक्ति मैंने आपको दे दी है, प्रदान कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इनका आपका नहीं। तो एक और ले लेते हैं। अयो ये है मीठा है, खाने से पहले ही बोल दिया क्योंकि पहले खाया था ना मैंने। तो चलो अब चलते हैं घर। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमने आपको दिखाए हैं मैक्सिमम नेचुरल प्रोड्यूस, जो हमने खाए भी हैं थोड़े, और थोड़े लेके चले हैं, वो शाम को खाएंगे। सो आई होप सो यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल पर सब्सक्राइब तो बनता है यार, एक लाइक भी बनता है, जंगल की कंडी को देखना भी बनता है, वो भी देख लो यार। बाय।